नमस्कार दोस्तों, मैं जया त्रिपाठी कैमरा कुकिंग विद जया में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है सूजी के हेल्दी वेजी अप्पे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम तेल में बनता है और बहुत ही हेल्दी है। अपने पसंद के वेजिटेबल्स अगर बच्चे ना भी पसंद करते हो तो इसमें डालकर आप बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, चलते किचन की तरफ और बनाना शुरू करते हैं वेजी अप्पे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी सूजी यानी कि रवा, और साथ ही मैंने 1 कटोरी यहाँ मट्ठा लिया है छाछ, आप चाहे तो दही भी ले सकते हैं, और इन्हें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसे 1 कटोरी छाछ डाली है और ये ड्राई लग रहा है, तो अब मैं 1/2 कटोरी छाछ और डालूंगी यानी कि मट्ठा और डालेगा, और इसे मिक्स करके हम इसे ढक कर 15 मिनट के रख देंगे ताकि सूजी जो है वो थोड़ी फूलती है तो ये अच्छे से इसमें जो है छाछ या मट्ठा एब्जॉर्ब कर लेगा। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये बैटर थोड़ा थिक हो गया है और सूजी अच्छे से मट्ठे को एब्जॉर्ब कर चुका है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी 1/2 कप के करीब पानी और इसे डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच या 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो भी ले सकती हैं यहाँ पे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी। साथ ही यहाँ मैंने कुछ सब्जी ली हुई है, बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और बारीक कटी हुई शिमला। आप अपने पसंद की भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने 1 छोटा चम्मच तेल गर्म होने के लिए रखा है। अब इसमें डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच राई के दाने, 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 चुटकी या 1/2 टीस्पून के करीब हींग डालेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप इसमें कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, तड़का हो गया है तो अब इसमें हम एक एक करके सब्जियां डालेंगे और सब्जियां डाल के हल्का सा इसे सॉटे कर लेंगे। फ्रेंड्स, करीब 1 मिनट हम इस सब्जी को थोड़ा सा पका लेंगे। 1 मिनट हो गए हैं और सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, अब गैस फ्लेम को हम बंद करेंगे। अब इस सब्जी को हम इस तैयार बैटर में डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, और ये देखिए फाइनली ये हमारा अप्पे का जो है बैटर तैयार है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अप्पे मेकर लिया है और अब मैं ऑयल से इसे हल्का सा ग्रीस कर लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दिया है और अब स्लो फ्लेम में गैस को करते हुए थोड़ा थोड़ा हम ये घोल इसमें डालेंगे बैटर को। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में पकने देंगे, तब तक जब तक ये किनारा ना छोड़ दे एक साइड से पकना चाहिए। 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं किनारा अलग हो रहा है और ये अप्पे को हम स्पून की सहायता से बड़ी आसानी से इसे पलट के दूसरे साइड से भी हम पका लेंगे, बहुत ही आसानी से ये पलट जाता है। फ्रेंड्स, अब हम इसके साइड में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सीख जाए। हो गया है फ्रेंड्स, दूसरे साइड से भी हम इसे पलट के चेक कर लेंगे। ये देखिए ये दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक गए हैं, ये देखिए काफी अच्छे से ये सिक गए, तो अब हम इसे बाहर निकालेंगे। तो अब इसे बाहर निकाल के हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरे अप्पे बनकर तैयार है, इसे परोसा है मैंने चटनी और केचप के साथ। फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ ऐसी अगली आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।